गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रामावत राय, असिस्टेंट प्रोफेसर चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आज हम लोग इस वीडियो में F1 यूनिट 4 क्लास डीलेट फर्स्ट ईयर, आज का हमारा प्रकरण होगा ज्योतिराव फुले का जीवन परिचय। यूनिट 4 में ये टॉपिक है, एग्जाम में पूछ सकता है ज्योतिराव फुले का जीवन परिचय के बारे में संक्षिप्त में वर्णन करें, या ज्योतिराव फुले द्वारा रचित पुस्तक गुलामगिरी का वर्णन करें। तो सबसे पहले गुलामगिरी पुस्तक के बारे में अध्ययन करने से पहले उसके लेखक ज्योतिराव फुले के बारे में हम लोग संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। ज्योतिराव फुले एक महान समाजसेवी थे। वे शिक्षा के क्षेत्र में दलितों एवं स्त्री शिक्षा के मसीहा माने जाते थे, क्योंकि आज जो भी दलित वर्ग एवं महिला शिक्षा के चरम बिंदु पर हैं, आज ज्योतिबा फुले का ही देन है कि ये लोग आज शिक्षित हैं। तो चलिए हम लोग ज्योतिबा फुले का जीवन के बारे में कुछ अध्ययन करें। तो ज्योतिराव फुले को ज्योतिराव फुले, गोविंद राव फुले, महात्मा फुले आदि अनेक नामों से जाना जाता है। महात्मा फुले, ज्योतिराव फुले, गोविंद राव फुले, ये ज्योतिराव फुले का ही नाम है। इनका जन्म 11 अप्रैल 1887 ईस्वी को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। इनका जन्म 11 अप्रैल 1887 ईस्वी को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। वे एक भारतीय विचारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। यानी ज्योतिराव फुले एक दार्शनिक भी थे, समाजसेवी भी थे, लेखक भी थे एवं सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। उन्होंने 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया? तो ज्योतिराव फुले ने। कब किया? तो 1873 ईस्वी में। उन्होंने महिलाओं एवं दलितों के उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रम किए। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वे दलित एवं महिला के लिए जो शिक्षा के लिए देने का कार्य किया है, एक भगवान से कम नहीं है। आज जो भी दलित वर्ग है, महिला वर्ग है, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इसमें ज्योतिराव फुले, महात्मा फुले का बहुत ही बड़ा योगदान है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा में ही बिता दिए। उस समय समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने समाज के सभी वर्गों को शिक्षा देने के लिए प्रबल समर्थन किया। लोगों के शिक्षा
शिक्षा लेने के लिए जागरूक किया। वे मानते थे कि शिक्षा पर समस्त जाति का जो मानव जाति है, चाहे वो शूद्र कास्ट में हो, दलित हो, महिला हो या जनरल कास्ट के लोग हों, शिक्षा पर सबका अधिकार होना चाहिए। ज्योतिराव फुले ये मानते थे कि जब तक देश में दलितों एवं स्त्रियों को शिक्षा नहीं दिया जाएगा, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। शिक्षा पर सबका अधिकार होना चाहिए, शिक्षा सबके घर जाना चाहिए, सबको प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के अभाव में मानव एक पशु के समान होता है। तो वे मानते थे कि शिक्षा के माध्यम से ही देश का विकास हो सकता है। उनका मानना है कि जब तक हम समाज के सभी वर्गों को शिक्षित नहीं कर सकते हैं, तब तक देश के विकास के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही देश के विकास के बारे में सोच सकते हैं। तो उन्होंने देश के सभी वर्गों को शिक्षित करने का प्रयास किया, दलितों एवं स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने अनेक विद्यालय की स्थापना भी किए। वे भारतीय समाज में प्रचलित जाति प्रथा के आधार पर सामाजिक विभाजन के विरोधी थे। वे जो हमारे भारत में उस समय जाति प्रथा के आधार पर सामाजिक विभाजन किया गया था, उसका प्रबल विरोधी थे, विरोध करते थे। वे कहते थे, उनका मानना था कि जब तक जाति के नाम पर हम लोग समाज का विभाजन करेंगे, तब तक हमारा देश का विकास नहीं हो सकता है। न खुद व्यक्ति का विकास हो सकता है, न समाज का विकास हो सकता है, और ना ही देश का विकास हो सकता है। तो उन्होंने समस्त मानव जाति को शिक्षा देने का प्रयास किया, चाहे वो जनरल कास्ट के हो, चाहे दलित वर्ग हो या महिला हो, वे सभी वर्ग को शिक्षित करने का प्रयास किया। उस समय दलित वर्ग एवं महिला वर्ग की स्थिति दयनीय थी। ज्योतिराव फुले आज के जो SC ST कास्ट है एवं महिला है, उन सबको दलित ही मानते थे, महिला को भी दलित मानते थे। उनका कहना था, इन लोगों को जब तक शिक्षा नहीं दी जाएगी, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। तो उन्होंने दलित वर्ग एवं स्त्री शिक्षा पर जोर दिया। सन 1840 ईस्वी में उनका विवाह सावित्री बाई से हुआ, जो बाद में चलकर एक प्रसिद्ध समाज सेवी बनी। जिस तरह ज्योतिबा फुले ने एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, सेम उसी तरह उनकी पत्नी सावित्री बाई भी एक समाज सेवी बन गई। दोनों ने साथ मिलकर दलित एवं स्त्री शिक्षा के लिए अनेक प्रयास किए। दोनों पति पत्नी मिलकर समाज सेवा में लग गए। फूले ने सन 1884 ईस्वी में दलित लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की। उस समय दलित लड़कियों के लिए स्कूल खोलना एक क्रांतिकारी कदम से कम नहीं था। जिस समय उन्होंने
दलित लड़कियों के लिए विद्यालय की स्थापना की। उस समय मानिए कि ये दलित लड़कियों की स्कूल खोलना एक क्रांतिकारी कदम से कम नहीं था। एक मानिए कि समाज के साथ उन्होंने यंग युद्ध कर रहे हैं। उनको जो बड़े कास्ट के लोग थे उसका विरोध करने लगे कि दलित वर्गों को शिक्षा नहीं दी जाना चाहिए। ये ज्योतिराव फूले दलित वर्ग के लड़कियों को या दलित वर्ग को शिक्षा देना चाहते थे। तो इसका जो ज्योतिराव फूले का समाज था वो विरोध करते थे। इस स्कूल की स्थापना करके फूले ने उस वक्त के सामाजिक ठेकेदारों का विरोध किया। इस स्कूल को खोलने से उन्हें बहुत से लोगों से लड़ाई लड़ना पड़ा। जब वे इस विद्यालय की स्थापना किया उस समय उनके जो समाज के ठेकेदार थे यानी जो लोग मानते थे दलित और स्त्रियों को शिक्षा नहीं देना चाहिए वे लोग उसका विरोध करने लगे, उनसे झगड़ा करने लगे। फिर भी वे नहीं माने। इस स्कूल खोलने के कारण इनके पिता ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। सन 1849 ईस्वी में उनसे समाज से बहिष्कार कर दिया। ज्योतिराव फूले को 1849 ईस्वी में समाज ने उसे बहिष्कार कर दिया। जब महात्मा फूले ने घर से बाहर निकले तो वे शांत नहीं बैठे। इसके विरोध में उन्होंने 1851 ईस्वी में दो और स्कूल खोलकर समाज के ठेकेदारों के मुंहतोड़ जवाब दिए। जब ज्योतिराव फूले सबसे पहले विद्यालय की स्थापना किए 1884 ईस्वी में, उसके बाद फिर अनेक समाज के ठेकेदारों ने उनका विरोध करना प्रारंभ किया तो वे शांत नहीं बैठे। सॉरी, 84 मैंने बोल दिया, 1848 ईस्वी में, मिस्टेक से मैंने 84 बोल दिया था। तो सबसे पहले ज्योतिबा फूले ने 1848 ईस्वी में दलित लड़कियों के लिए विद्यालय की स्थापना किया। जब उन्होंने दलित लड़कियों के लिए विद्यालय की स्थापना किया तो उस समय समाज के लोगों ने विरोध किया और उसे समाज से बहिष्कार कर दिया। जब उन्हें सन 1849 ईस्वी में घर से निकाल दिया गया तो वे शांत नहीं बैठे। इसके बाद भी उन्होंने 1851 ईस्वी में दो स्कूल की और स्थापना की और दो स्कूल की स्थापना कर कर समाज के ठेकेदारों को मुंहतोड़ जवाब दिया। सन 1868 ईस्वी में उनके पिताजी का मृत्यु हो गई तो उन्होंने अपने परिवार के पीने वाले पानी के तालाब को अछूतों के लिए खोल दिया। यानी जब तक उनके पिताजी थे तब तक उनके दरवाजे पे जो कुआं था उसमें दलित वर्ग के लोग पानी भरने नहीं आते थे। लेकिन जैसे ही सन 1868 ईस्वी में उनके पिताजी की मृत्यु हो गई तो उन्होंने उस तालाब को दलित वर्गों के लिए भी खुला छोड़ दिया। यानी कोई भी व्यक्ति आकर उस तालाब में पानी भर सकता है। यानी ज्योतिराव फूले किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करते थे, चाहे वह किसी भी कास्ट के हो। वे सबके साथ मिलकर रहना चाहते थे। वे मानते थे कि
कि समाज में सबका स्थान है, सबका अपना कर्तव्य है, सबका अपना दायित्व निभाना चाहिए, सबको शिक्षा प्राप्त होना चाहिए। सन 1873 ईस्वी में महात्मा फुले ने एक गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की। उन्होंने इस गुलामगिरी नामक पुस्तक में उस समय जो समाज में दलित और स्त्रियों का क्या स्थिति थी, उन्हें कैसे शिक्षा से वंचित किया गया था, उसके बारे में लिखा है। तो हम लोग गुलामगिरी नामक पुस्तक के बारे में अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा और ज्योतिराव फुले के बारे में अध्ययन कीजिएगा, मन से पढ़िएगा, एग्जाम में आएगा तो लिखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।